नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और लक्ष्य क्लासेस के डेली न्यूज़ प्रोग्राम में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड्रेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो अभी हाल ही में जापान टोक्यो में संपन्न हुई है, और इसके विषय में क्या एक महत्वपूर्ण पक्ष बन सकते हैं और कैसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है पूरा इस समय कुरुक्षेत्र बना हुआ है उसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे, और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण बना हुआ है और चार जो देशों का ये समूह बना इसके पीछे एक उद्देश्य क्या है। तो एक छोटे से टाइम में हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो अभी जो सम्मेलन हुआ ये कहाँ हुआ, टोक्यो जापान में इस सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। तो क्वाड समिट 2022 या क्वाड सम्मेलन जो 2022 हुआ ये कहाँ हुआ, टोक्यो जापान में ये सम्मेलन हुआ है। तो सुर्खियों में जो बना रहा, एक इसलिए बना रहा कि 2022 क्वाड शिखर सम्मेलन जो है 24 मई 2022 को, कब, 24 मई 2022 को इसकी शुरुआत होती है और कहाँ होती है, टोक्यो में शुरू होती है और टोक्यो जापान में ये शुरू होता है। तो 2022 क्वाड शिखर सम्मेलन इस बार कहाँ आयोजित हुआ, तो इस बार टोक्यो जापान में आयोजित होता है, ये शुरू हुआ। इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो इसमें जो सुर्खियों में रहने वाली बात क्या है कि इसमें क्वाड देशों में कौन कौन से देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका, ये चार देश जो है क्वाड देशों के समूह में आते हैं, और इन देशों के जो नेता हैं उन नेताओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया है, इसके बाद की अगर हम बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री और अन्य जो देश के नेता हैं उनके नाम हमें पता होने चाहिए कि भाई भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, वो इस सम्मेलन में शामिल हुए। इसी तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति इसमें शामिल हुए जिनका नाम जो बाइडेन है, और जापान के पीएम यानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा इसमें शामिल हुए, और इसके साथ ही अभी ऑस्ट्रेलिया के में चुनाव हुए, प्रधानमंत्री के चुनाव हुए हैं, और उसमें जो नए चुने गए जो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हैं वो हैं एंटनी अल्बनीस ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो हम देख रहे हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चार देशों का समूह है। इसे क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, चतुर्भुज सम्मेलन कहा जा रहा है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद का नाम दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का नाम इसे दिया गया है। इसी के साथ अगर हम देखें तो क्वाड क्या है, इसको अगर हम थोड़ा समझें तो इसका विचार सबसे पहले कहाँ आया और किसके माइंड में आया, तो अगर हम सबसे पहले देखें तो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, ये इसका हिंदी में फुल फॉर्म हो जाता है, कि बहुत से कैंडिडेट ये कहते हैं कि हिंदी भी बताइए, तो यहाँ पर चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी कि क्वाड का क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता का ये मंच है, यानी कि ये इसका किसी तरीके कोई नियम या कानून या किसी तरीके का एक नियम पुस्तिका नहीं बनाई गई है, बल्कि जैसे भाई चार दोस्त मिले और आपस में बैठ गए कि आज चाय पर चर्चा कर रहे हैं चारों दोस्त मिलकर, तो उसी तरीके का ये ग्रुप है, चार दोस्तों का ग्रुप यानी कि चार देशों का ग्रुप है जो अनौपचारिक रूप से एक रणनीतिक मंच है, इसका कोई एक नियम कानून की पुस्तक नहीं है, आराम से कभी भी जब मन गया तब आराम से बैठ जाते। तो एक और बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये जो सम्मेलन हुआ, ये जो शिखर सम्मेलन हुआ, ये दूसरा शिखर सम्मेलन था क्वाड का, कौन सा शिखर सम्मेलन था, दूसरा शिखर सम्मेलन, तो ये समझ लिया चार दोस्त बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, इसी को ही अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच कहते हैं। औपचारिक कब हो जाता है, औपचारिक तब हो जाता है जब इसका एक प्रॉपर एक तरीके से कोई नियम पुस्तिका होती, एक टाइम डिसाइड होता कि कब कब इसका जो है सम्मेलन करना है, इसके क्या नियम होंगे, किस तरीके से किसी देश को इसमें कंट्रीब्यूट करना है, तो ऐसी सारी चीज़ों होती, तो ये औपचारिक रूप से कहलाता कि एक औपचारिक रणनीतिक मंच है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये मुक्त खुले समृद्ध, इसका जो एक मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक यानी कि भारत प्रशांत क्षेत्र में सुनिश्चित करने के लिए, किसको, मुक्त खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र को या इंडो प्रशांत क्षेत्र को या हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने और इसके समर्थन के लिए इन देशों का एक साथ लाने का ये एक मंच है। कौन सा मंच,
क्वाड मंच। तो क्वाड जो है इन सभी देशों को एक साथ लेकर आता है ताकि इंडो प्रशांत क्षेत्र में यानी कि हिंद महासागरीय क्षेत्र में और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में एक सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और किसी एक देश का कब्जा ना हो। ये जो एक तरीके से ग्रुप जो बनाया गया उसके पीछे कारण रहा कि चीन को कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में मात देनी है, चीन को एक तरीके से यहाँ पर पीछे की ओर धकेलना है, या कहा जा सकता है चीन का जो एग्रेसिवनेस है उसकी जो नीतियाँ हैं उसके विरोध में ये चार देशों ने अपनी इस नीति को अपनाया। क्वाड्रिलेटरल सीधी सी बात है जो चतुर्भुज बनेगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अमेरिका है, यहाँ अलास्का है अमेरिका का, ये यूएसए है, और यहाँ अगर हम देखें तो ये जापान है और इंडिया यहाँ है अपना प्यारा देश भारत, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो इन चारों के बीच जो एक चतुर्भुज बन रहा है, एक चतुष्कोण बन रहा है उसी को यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल समूह कह दिया। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, और पैसिफिक ओशन, और इधर हम लोग देखते हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है प्रशांत महासागर हिंद महासागर में आता है, तो यहाँ पर इंडियन ओशन है। तो हिंद और प्रशांत क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत करने और चीन की कहीं ना कहीं बढ़ती पकड़ को कम करने के उद्देश्य से ये चार देशों ने मिलकर क्या बनाया है, क्वाड ग्रुप बनाया है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, मैप पर देख सकते हैं कि चतुर्भुज क्यों कहा गया है। तो एक बार और आप लोग समझ लीजिए, ये चार कोने में बसे हुए ये चार देश हैं, तो इसलिए इसे चतुर्भुज एक तरीके से कह दिया जाता है। तो इसी के साथ आगे की ओर बढ़ें तो हम देखते हैं कि क्वाड की जो अवधारणा है वो औपचारिक रूप से सबसे पहले आई वर्ष 2007 में, और 2007 में जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे ने ये अवधारणा प्रस्तुत की कि भाई चीन के जो बढ़ता हुआ एक एग्रेसिवनेस है, आक्रामकता है, उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है हिंद और प्रशांत क्षेत्र में। तो इस पर विचार करने के लिए आगे का कंसेप्ट तैयार किया गया, और 2012 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्या किया गया कि एक और सुझाव रखा गया शिंजो आबे के द्वारा, जो शिंजो आबे थे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके द्वारा एक और विचार रखा गया, क्योंकि जो 2007 में विचार रखा गया था कि क्वाड बनाया जाए, यानी क्वाड में कौन कौन है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ साथ अमेरिका, जो अमेरिका है ये है, तो ये चार देश है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया जो है 2007 में किसके दबाव में आने की वजह से, 2007 में ये दबाव में आता है किसके, चीन के दबाव में आता है, और चीन के दबाव में आने की वजह से इसने क्या कर दिया कि क्वाड समूह से अपने आप को वापस खींच लिया। इसके बाद फिर से 2012 में किसने, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे ने एक बार फिर से कोशिश की और इन चारों देशों को, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका को एक साथ लाकर डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड की स्थापना करने की बात कही। ये विचार इन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन इस पर भी ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा और ना ही इस पर कोई ज़्यादा चर्चा हुई। लेकिन बाद में 2017 में क्वाड समूह की स्थापना हुई, कब, नवंबर 2017 में आशियान शिखर सम्मेलन होने वाला था, उससे ठीक एक दिन पहले जो है इसकी बैठक की गई, और क्वाड समूह की स्थापना कब की गई, 2017 में, और उसके बाद से जो है लगातार इसकी बैठकें हो रही हैं और इसके साथ साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी किया गया। जैसे 2020 में अगर हम बात करें तो वर्ष 2020 में इन चारों देशों के बीच में, जो क्वाड समूह के देश हैं, इनके बीच में मालाबार युद्धाभ्यास किया गया। मालाबार हम लोग जानते हैं कि भारत का जो पश्चिमी तट है उसका दक्षिणी हिस्से को हम लोग मालाबार कहते हैं, या मालाबार नाम दिया गया है। इस मैप में अगर हम इन चीज़ को समझें तो ये प्रशांत महासागर है पूरा, और यहाँ पर इंडियन ओशन है। तो एक तरीके से इंडियन ओशन और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है उसको सुचारू रूप से और इसके साथ साथ ईमानदारी के साथ सभी देश इसका उपयोग कर सके, उस आधार पर इन चार देशों ने चीन के अग्रेसिवनेस को, आक्रामकता को पीछे छोड़ने के लिए इस ग्रुप का निर्माण किया। और इसके साथ साथ इस क्षेत्र में आता है एक दक्षिण चीन सागर, तो नाम इसका दक्षिण चीन सागर है, ये चीन का नहीं है ये सागर, कि यहाँ पर लोग ये समझें कि यहाँ पर जो दक्षिण चीन सागर है वो चीन का सागर है। तो इस क्षेत्र में भी जो अन्य छोटे छोटे देश हैं, मलेशिया वगैरह या
अन्य जो छोटे देश हैं वो उनको जो है चीन ये कहता है कि इस पर किसी का भी कोई अधिकार नहीं है, जैसे मलेशिया है, ब्रुनेई है, वियतनाम है, कंबोडिया है, तो या इन देशों को साउथ चाइना सी में किसी भी तरीके का एक्सेस चीन देने से मना करता है और इस पूरे क्षेत्र पर चीन ये चाहता है कि उसका अधिकार रहे साउथ चाइना सी पर। हालांकि नाम इसका साउथ चाइना सी है लेकिन ये चीन का ही केवल हिस्सा नहीं है। जैसे भाई अगर हम कह दें कि पूरा हिंद महासागर हमारा है क्योंकि इसका नाम हिंद महासागर है, तो ऐसा थोड़ी होगा। इसी तरीके से साउथ चाइना सी का नाम होने से ये केवल चीन का नहीं हो जाता है, मलेशिया, ब्रुनेई, इन सभी देशों का ये, फिलीपींस वगैरह, इन सभी देशों का ये इसमें अधिकार है। लेकिन इस पार्टली आइलैंड को लेकर लगातार मलेशिया और ब्रुनेई के साथ चीन का क्या विवाद चलता रहता है, फिलीपींस के साथ विवाद चलता रहता है साउथ चाइना सी में, तो ऐसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ही एक तरीके से क्वाड ग्रुप की स्थापना की गई इन देशों के द्वारा। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हुई, क्वाड ग्रुप कब बना और उसकी स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य क्या रहा और क्यों अभी ये सुर्खियों में बना हुआ है, कौन सा इसका शिखर सम्मेलन हुआ और कहाँ पर शिखर सम्मेलन हुआ। तो ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।